बस कर दो, मैं जानता हूँ मेरी खूबसूरती ऐसी है कि आपकी तालियां नहीं रुक पाती। बताने वाली बात यह है, वेलकम टू असलम नाइट प्रेजेंटेड बाय सेफ एक्सेल। अब बजाओ छोटी ताली। आज मैं जिस चीज की बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज है, वैसे हम लोग हर एक आदमी एक दूसरे से अलग है, आप मुझसे बिल्कुल अलग लग रही हैं जो सामने बैठी हुई हैं, मैं आपसे बिल्कुल अलग लग रहा हूँ, ये सब एक दूसरे से अलग अलग है, मगर एक चीज ऐसी है जो हम सबको मिलाती है, एक चीज ऐसी है जिसको हम सब उतारना चाहते हैं, एक चीज ऐसी है जो हम पर ऐसे चढ़ा हुआ है कि जिसको उतारना नामुमकिन हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ कर्ज की। कर्ज हम पे ऐसे चढ़ा हुआ है जिस तरह बकरीद के ऊपर जानवर के ऊपर कसाई नहीं चढ़ जाते, कसाई ने हमें घेरा हुआ है, ना हम टांगे ला सकते हैं, ना हम जिसम ला सकते हैं, ना हम भाग सकते हैं, बह की आवाजें निकाल सकते हैं। 70 की दिहाई में पाकिस्तान के ऊपर कमोबेश 20 बिलियन डॉलर का कर्जा था, यानी 20 अरब डॉलर, पता कितने जीरो आते हैं पता है तुम्हें, 20 बिलियन डॉलर का कर्जा था, जो अब यानी कि आजकल के दौर में जब आप पैदा हो चुकी हैं आप, तो अब हो चुका है 80 बिलियन डॉलर, यानी हर पाकिस्तान के इंसान पर 2-2 लाख रुपए का कर्जा है। आप लोग जो खुला घूम रहे हो क्या भाई तेरे भाई ने आज तक कर्जा नहीं लिया, 2-2 लाख रुपए के आदमी तुम लोग और खवातीन भी, 2-2 लाख पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं वो इसलिए ज्यादा रोते हैं, पैदा होती तो 20 लाख का 2 लाख का करता है वो कर्जा उनपे, बच्चा कर्ज में पैदा हो रहा है तो परेशान पैदा हो रहा है, किस तरह का पैदा हो रहा है जरा दिखाइए, गुस्से का बच्चा, यार 2 लाख रुपए पड़े हुए यार कर्ज में यार, लेकिन अगर कर्ज उतर जाए इंशाल्लाह तो किस तरह के बच्चे पैदा होंगे दिखाइए, बड़े बच्चे मैच्योर बच्चे पैदा होंगे, कर्ज की वजह से मैच्योर बच्चे पैदा नहीं हो रहे। अच्छा खवातीन होता ऐसा है कि मैं सिर्फ बताना नहीं चाहता कि कर्ज इतना है, कर्ज के आवाम को पता है कि कर्ज किस तरह उतारना चाहिए, इनके पास स्कीम्स हैं, आइए पूछते हैं मेरे पास मौजूद जो ऑडियंस है कि इनके पास क्या क्या स्कीम है। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, समर अब्बास। समर अब्बास, तो क्या तुम्हारे स्कीम है कोई कर्ज उतारने की? 2-2 लाख रुपये चढ़ा हुआ है इस एक एक बंदे पे। ब्यूटी पार्लर बंद करके कर्ज उतार सकते हैं। ब्यूटी पार्लर बंद करके कर्ज उतार सकते? जी बेटा, ब्यूटी पार्लर बंद करके तो हम बहुत कुछ उतार सकते हैं, मेकअप उतार सकते हैं, अपने ऊपर से खवातीन का भूत उतार सकते हैं, खूबसूरती। कर्जा कैसे उतरेगा ये बताओ? ये ही ब्यूटी पार्लर बंद करके। कैसे कैसे? जो औरतों को पैसे मिलते हैं वो तो सारे मेकअप पे जाया हो जाते हैं, और जो मर्दों को मिलते हैं वो खवातीन पे जाया हो जाते हैं। दोनों को मेरे ख्याल से ब्यूटी पार्लर और मर्द दोनों को बंद करना होगा। बैठ जाओ, तुम्हारी स्कीम में मैं सुन रहा हूँ, बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हामिद अली। हामिद अली, क्या स्कीम है तुम्हारे पास कर्ज उतारने की? अगर पंजाब कॉलेज के बच्चे रोल खाना बंद कर दे तो उतर जाएगा। सब रोल पे खर्च हो रहा है पैसा? सब रोल पे हो रहा है। अच्छा, कितना खर्च हो जाता है एक रोल पे? 30 रुपए एक दिन का। 30 रुपए जी। 22 दिन जाते हो, 2 दिन छुट्टी होती होगी जी, तकरीबन ये हो गए 660 रुपए जी। 660 रुपए की तुम लोग रोल खा रहे हो बेटा। अगर ये पैसे बचाकर हम कर्ज उतारने की स्कीम बनाए ना जी, तो कम से कम 3-4 हजार साल का मामला है। खवातीन से पूछता हूँ, खवातीन के पास कोई अच्छी स्कीम हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जोया। कर्ज उतारने के लिए ना मैं रोल खाना छोड़ूंगा ना मैं मेकअप कराना छोड़ूंगा, कोई और स्कीम बताओ। सर स्कीम ये है कि अगर हम कमेटियां डालें तो कर्जा उतर सकता। कमेटियां डालें? दूसरे मुल्कों से हम कमेटी के पैसे ले लें। सर जो पैसे जमा हो जाए साय लेके खुद भाग जाए, ये अच्छी स्कीम। मुल्कों से कहें कमेटी डालें और जब हमारी निकल आए तो हम भाग जाएं। भाग जाएं। ये हो भी रहा है आजकल एक बड़ा स्कैम, 42 करोड़ रुपए खातून कमेटी लेकर भाग चुकी हैं अभी रिसेंटली। उनकी निकलती रही, उन्होंने सारी अपनी कमेटियां निकलवाई, जब वो अमीर हो गई तो उन्होंने कहा अब मेरे पास पैसे हम भी ये कह सकते हैं, हम भी सर हमारे पास पैसे नहीं है, देख रहे हैं एक एक बच्चा 2-2 लाख का, ब्यूटी पार्लर सारे बंद हो चुके हैं, सालों से रोल नहीं खाया। वेरी गुड स्कीम। आज जो हमारे गेस्ट हैं, जैसे कि आपको पता है कि असलम मनाए मैं अकेला नहीं करता हूँ, गेस्ट बुलाते हैं उनके साथ हम जो कुछ करते हैं करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, सहाफत की दुनिया के बड़े नाम, बहुत ही बोल्ड और करेजस सहाफी कहलाए जाते हैं, इमरान खान के फैन हैं काफी, आपकी भरपूर तालियों में सलीम साफी। के लिए जो मरहूम हो गई है वो आपकी तहरीक और वो इंकलाब, उसके लिए फातिहा पढ़। आपको गलत खबर पहुंची है। पहली बात इसके कजिए को निपटाने के लिए आप लोग जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना देते? सबसे बड़ा फ्रॉड तो 2018 का इलेक्शन था ना, तो आप लोगों ने आरटीएस फेल होने की तहकीकात क्यों नहीं की? अच्छा, कहां आरटीएस फेल हुआ था? शुक्रिया सलीम साहबी साहब, और याद फरमाया, बड़ी मेहरबानी है। सबसे पहले तो आजकल बड़ी अफवाहें हैं और वो आपके पार्टी के तर्जुमान वजाहतें देते देते थक गए। आप परवेज मुशर्रफ को बीबी का कातिल समझते हैं या उसके कत्ल में जिम्मेदार समझते हैं? गुनाहगार समझते हैं।
वो इस वक्त उधर बैठ के एक एक बंदे के वो कान खींच रहे हैं, परवेज खटक से अलग नाराज है, बाकी वज़रा से अलग नाराज है कि आप लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों नहीं किया। बस्ती रहनी चाहिए यार। सलीम भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र। आज हम सलीम भाई इनसे बात कर रहे थे कि मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा, तो किसी नौजवान ने कहा कि ब्यूटी पार्लर बंद करके उतरेगा, किसी ने कहा कबाब रोल खाने बंद कर दें तो उतर जाएगा, किसी लड़की ने कहा कि हम कमेटियां डाल लेते हैं सब मुल्कों से लेकर, सब अपनी अपनी गड़ियां बेचते बाहर उससे उतर सकता है, लेकिन अगर इन्होंने अंडर डिक्लेयर की वैल्यू तो फिर वो भी नहीं उतर पाएगा, गड़ियां भी चली जाएंगी। जुल्फी के जरिए ना बेचे तो उतर जाएगा, जरिए से भेजे। अच्छा, हमने एक काम किया कि हमने अपने नुमाइंदे खसूसी को आवाम के दौरान भेज दिया, आवाम के दरमियान भेज दिया, और उनसे पूछा कि कर्ज कैसे उतरेगा। आइए देखते हैं। ये बताओ मुल्क का कर्जा कैसे उतरेगा? मुल्क का कर्जा जब पैसे होंगे जब उतरेगा, आपको नहीं पता? पाकिस्तान की जो आवाम है ना, है यही उतारेगी। इंडस्ट्री वगैरह में टैक्स लागू होगा हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, उसको कम करें आप, उसको आप कम करेंगे आपकी इंडस्ट्रियाँ चलेंगी, इंडस्ट्री आपकी चलेंगी, आपका डॉलर इंटर होगा, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को अपना बढ़ाएंगे, डॉलर इन होगा। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, अगर हम और आप मिल के ईमानदारी से और सच्चे दिल से कोशिश करें तो इंशाल्लाह ताला चाहे तो ये कर्जा उतर जाएगा, उतर जाएगा, उतर जाएगा। इतना तेल का बोतल आते हो ऐसे यूं पत्थर लग के ऐसे यूं बैठे होते हैं ये इधर डिफेंस में, अगर लड़के सारे उधर बैठ जाए ये काम कारोबार स्टार्ट कर दे तो ये मुल्क जो है तरक्की हो जाएगा, मतलब हर तरक्की हो जाए, हर नौजवान मालशी बन जाए, मालशी बन जाए, मालिश में जितना पैसा है ना उधर किधर नहीं है। बंदे जो है ना सब चोर हैं, हम समेत हम पहले हम खराब हैं, आप मैं मेरा कैमरामैन सब चोर हैं। बिल्कुल गाना याद आया मुझे अभी और इसी वक्त, प्यार झूठा ही सही दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। आप भी चोर हैं, जाहिर बात है वो चोर है तो हम भी चोर हैं, मैं भी चोर हूँ, ये भी चोर है, सब चोर है, ये भी चोर नहीं है, हम भी चोर नहीं है, कोई भी नहीं है, आप चोर नहीं है, कोई भी चोर नहीं है, सब चोर है। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की गली। बहुत टूट रही है, चाय पीऊंगा मैं, गले में बहुत शदीद दर्द है मेरे। मैं अभी इस वक्त यहाँ पे चाय कहाँ से लेकर आऊँ, कहीं से भी मंगवा ले, आप बादशाह हैं यहाँ के, दे दे सब मिलकर कर्जा खत्म हो जाएगा। आप कितना दोगे? मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या दूंगा, चाय पीऊंगा मैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जब हमारे पास पैसे होंगे तभी उतरेगा, कोई ऐसी तो नहीं छोड़ देगा ना कि भाई हमने तुम्हारे को मुल्क का कर्जा माफ करा। अभी चाय पिलवा दे यार, इंटरव्यू तो स्टॉप करे प्लीज, रिक्वेस्ट टू यू, ओके। शहबाज शरीफ को उतारो मुझे, बिठाओ कुर्सी पे, सारे आवाम मिल के वोट दे दो मुझे, इंशाल्लाह 3 महीने में अंदर अंदर कर्जा भी उतार दूंगा तो पूरा मुल्क को बना भी दूंगा। आप समझो बन गए प्राइम मिनिस्टर, बन गए, सबसे पहले उठ के पहला काम क्या करोगे? सबसे पहले मावा ही खाएंगे, मावा खाने। बेटा एक दे दो अंकल को, 3 दे दो, 3 कहवा, 3 नहीं, ताबिज भाई से पूछे पियेंगे, कहवा ताबिज भाई, ताबिज भाई कहवा हो ये मेरे खातिर मोहब्बत में, थैंक यू, पी लूंगा, थैंक यू, ताली होनी चाहिए सलमान के लिए। सलीम भाई, इन मशवरों में कौन सा मशवरा आपको लगा कि ये काबिल अमल है, और दूसरा ये बताएं कि आखिर ये कर्ज उतरेगा कैसे? अच्छा, तो सिर्फ वो जो गाना सुना रहे थे वही वही लगे, लेकिन आखिर में उसकी हालत भी पाकिस्तानी मईशत मांग रहे, चाय पिला दे। अब सीरियस बताएं कि कर्ज उतरेगा कैसे? सीरियस तो ये कि एक पाकिस्तानी कौम भीड़ है, हजूम है, ठीक है, ये कौम बन जाए, सही है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की बजाय वेलफेयर स्टेट बन जाए। यानी हम ना ही समझें आपकी तरफ? हाँ, फिलहाल तो लगता ही है कि इसको ना ही समझे। सोहेल भाई को जानते ही, हम सबके कोलीग हैं और बड़े काबिल इज्जत हैं, मैं तो बहुत फेवरेट है। पहले हम उनको मुर्शिद कहते थे, लेकिन आजकल वो मुर्शिद का नाम बदनाम हुआ है, हम उन्हें सोहेल साहब ही कहते हैं। अच्छा, सोहेल साहब को पता है ये सवाल ऐसा है कि ये सिर्फ सोहेल साहब ही इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। मैं उन्हीं की रूह अपने अंदर लाऊंगा और आपसे ये सवाल पूछूंगा कि पेशावर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की, थोड़ी छाती, 5 फुट 9 इंच कद, लिखारी भी हैं, गोरी रंगत भी है, लव लेटर तो आते होंगे?
अब इसके जवाब के लिए पहले लड़ाई जैसा हौसला भी चाहिए, वो मेरे अंदर नहीं है। नहीं, मुझे एक बात बताएं सलीम भाई, आप सहाफत के दिनों में, तालिब इल्मी के दिनों में खास तौर पे कभी प्यार का शिकार हुए? वो इंसान क्या होगा जो प्यार का शिकार ना हो। ओए होए। आज ऐसा मौका है आपके पास कि इरशाद भट्टी एक क्लिफ के नीचे खड़े हैं, एक पत्थर है जो बेताब है उन पे गिरने के लिए, और आपके हाथ में ये अपॉर्चुनिटी है कि आप कुछ सवालों का जवाब दें और उनको बचा लें। ये सवालों के जवाब एक मिनट में देने हैं, लेकिन अगर आपने एक मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लिया तो ये पत्थर नज़र आ रहा है ये इरशाद भट्टी के ऊपर गिर जाएगा। इरशाद भट्टी जो इस वक्त फटे हुए घुटने लेकर खड़े हुए हैं तस्वीर के, आपके हाथ में अगर आसान सवाल पूछ दिए तो मैं जल्दी जवाब दे दूंगा, वो बच जाएंगे। मैं आपको ये मौका ही नहीं दूंगा कि आप उन्हें बचा पाएं। मैंने आपके दिल की आवाज़ सुनी। पहला सवाल, पाकिस्तान के किसी भी 5 शहरों के नाम बताइए। 5 शहरों के नाम? मैं देख रहा हूँ किस तरह डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ये कराची में बलदियाती इंतखाबात नहीं है। यानी पाकिस्तान में कोई शहर शहर ही नहीं रहा ना, वो तो पता नहीं एक अजीब सी चीज़ बन गई है। अगर आप ज़्यादा टाइम लेंगे तो भट्टी भी नहीं रहेगा। एक तो लाहौर हो गया ना। एक तो हाँ लाहौर। हाँ ऑप्शन दे देता हूँ, कराची, पाकिस्तान, पेशावर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, जैकबाबाद, लाड़काना, सक्खर, कदीम, पश्चिम, पशीन। अभी भी कर यार, मेरे अभी भी ना 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 ना। अच्छा देखिए, नोक पे रोके हुए भट्टी साहब, नोक पे रोके हुए भट्टी साहब। तो अच्छा, अभी भी अगर आप जवाब दे देते तो पत्थर को पीछे कर लूं। 5 शहर हैं, लाहौर हो गया, अब 4 बाकी हैं। एक दो, ख्वाहिश पूरी करें जी। चले यार, ये आपने ज्यादती की, मुझे थोड़ा सा टाइम देते हैं। मैंने ज्यादती की। भट्टी साहब जो के साथ बहुत अरसे तक मुंसलिक रहे, एक दिन सलीम साफी मेरे शो में आए, अब भट्टी साहब यहाँ हैं, हल्की सी एक चमक और बूम की आवाज़ के साथ वो ज़मीन के अंदर हैं। अली भाई, आप सबसे सवालात पूछते रहे, ख़तरनाक सवालात पूछते रहे, मगर आज आई हुई अवाम, भैया ये अवाम आई हुई और ये आपके लिए लाई हुई है सवाल। जिस उम्र के ये बच्चे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा इनके पास भी आपके लिए सवाल हैं, मगर हैं। तो आइए चलते हैं ऑडियंस से और पूछते हैं इनके पास क्या सवाल आते हैं। पहला सवाल किसके पास है भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? ईमान। ईमान क्या करती हो तुम? मैं आईसीएस में हूँ। आईसीएस में हूँ जी, फर्स्ट पार्ट। अच्छा आईसीएस में हूँ। आईसीएस में तो खतरनाक लग रही थी, आईसीएस में बैठी थी मसला मनाए में। अच्छा आईसीएस कर रही हो, माशाल्लाह। कोई सवाल लाई हो तुम जी? पूछो। सर 13 घंटे का सफर है, प्लेन का सफ़र है, एक साइड पे आपके ताबिश भाई बैठे हैं, दूसरी साइड पे ऐसा कौन सा शख्स आएगा जिसकी वजह से आप फर्श पे आके बैठ जाएंगे? तो ताबिश भाई के साथ तो ऐसा कोई मेरा मसला नहीं, नहीं है। तो तीसरा जो बैठेगा, 3 सीटें लगी होती है ना जहाज में। हाँ हाँ। अब मैं हम दोनों तो बैठे हैं, खुश गप्पियाँ कर रहे हैं, इरशाद भट्टी की बुराइयाँ कर रहे हैं, चल रहा है सब। हाँ। सफर अच्छा गुजर रहा है, बल्कि इरशाद भट्टी तो बिजनेस क्लास में बैठे हैं, वो तो बड़े साफी हो गए। अब हम दोनों बैठे हुए, हमें जियो ने इकोनॉमी का टिकट दिया है कि आप लोग यहाँ बैठो, लेट नाइट शो वाले यहाँ बैठेंगे। आपको तीसरा बंदा ऐसा कौन सा आ जाए कि आप बोलेंगे यार मैं इकोनॉमी में बैठना गवारा नहीं कर रहा? कोई भी बोल टीवी का एंकर होगा तो बस मैं बोल टीवी का कोई भी एंकर हो आप उधर जाएंगे, मैं भी साथ ही चलूंगा आपके। हाँ अब जब नंबर 1 आ जाएगा तो हमारी जगह ही कहाँ बचेगी वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? अली हमजा। अली हमजा क्या करते हो तुम? पढ़ाई? घर वालों को तंग। अच्छा तो कोई सवाल लाए? जब भी कोई हुकूमत में आता है तो आप उन पर बाड़ी पकड़ करते हैं, अब तो इमरान खान हुकूमत में नहीं रहे, अब तो उनका पीछा छोड़ दें आप। सर कह रहे हैं कि जो हुकूमत में जो भी आता है आप उसके खिलाफ होते हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर आप खुद भी हुकूमत में आ गए तो शायद अपने खिलाफ भी शो करें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप खान साहब हुकूमत में नहीं है तो उनका पीछा छोड़ दें? नहीं, एक तो ये कि आप सिर्फ घर वालों को तंग करने की बजाय कभी कभी अखबार भी पढ़ लिया करें। तो मैंने मौलाना फजल रहमान की क्लास ली है इस दौरान, मैंने शहबाज शरीफ की ये जो सैकड़ों अफराद पे मुश्तमिल काबीना बनाई है उसकी क्लास ली है, कल भी मैंने डार साहब के ख़िलाफ़ अपना गुस्सा निकाला है। और फिर आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि खान साहब अभी अपोजिशन में नहीं आए हैं, 2 सूबों में हुकूमत करते हैं। नहीं नहीं, 2 सूबों में नहीं जी, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत कर रहे हैं, तो वो अभी तक हुकूमत में है। तो अगर अपोजिशन में आ जाएं कभी और तो फिर यकीनन बन हमदर्दी करेंगे उनके साथ, बात बन सकती है। ठीक है अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? नेमल। नेमल क्या मतलब होता है इसका? पता नहीं। जरूरत ही क्या है? जरूर तो अम्मी अबू ने रखा नाम या खुद रखा है? मामू ने रखा, अम्मी अबू बिजी होंगे। पहली बात है,
नया बच्चा हुआ हुआ है, काम होते हैं, 100 काम होते हैं। तो सवाल लाई हो नहीं, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, रिक्वेस्ट लाई हो जी, बोलो। एग्जाम्स खत्म करवा दें किसी तरह से। अली भाई, बच्चे कह रहे एग्जाम्स खत्म करा दें, मेरा बस सिले में तालीम खत्म करा दें। वो तो हो चुका है। तो वो हो चुका, बस इम्तहान ही बचा है। आप बहादुर बच्ची हैं और सब आप लोग बहादुर हैं, और बहादुर लोग इम्तहान से कभी नहीं डरते, बल्कि ज़िंदगी खुद पूरी अपनी जगह पे इम्तहान है। तो इम्तहान की तैयारी करें, इम्तहान को ख़त्म ना करें। निमल का मतलब होता है खुदा की तरफ से दिया गया एक खूबसूरत तोहफा। मामू ने अच्छा नाम रखा है तुम्हारा। काफ़ी भाई, आज हमारे साथ क्राउड में जो है ना, हमारे एक मोतबर कंटेंट प्रोड्यूसर मौजूद हैं। मैं जानता हूँ, बहुत पुराना। अब जाहिर बात है, जियो के साथ पुरानी एसोसिएशन। नईम बलोच साहब, नईम साहब भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बिल्कुल ठीक हूं। आज आप आए हैं और अकेले नहीं आए जी, आज आप अपने साथ अपनी बेगम को भी लाए। बिल्कुल ठीक। तो क्या ये मजबूरी में ऐसा होता है या आप मर्जी से लाए? उनकी मर्जी से लाया हूँ। जाहिर बात है, ये तो बाय डिफॉल्ट आंसर होना चाहिए था, जो कुछ होगा बेगम की मर्जी से होगा। बिल्कुल। अच्छा नईम भाई, आप सदियों से जियो के साथ काम कर रहे हैं, हंसना मनाए कि भी आप कम से कम 70 से 75 एपिसोड हो चुके हैं, कभी आप नहीं आए, यहाँ बड़ी बड़ी हीरोइन आगे जा चुकी हैं, सलीम साफ़ी में ऐसा क्या है? मैं मुझे पता है क्या है, मतलब आपकी नज़र में ऐसा क्या है कि आप यहाँ आने मजबूर हो गए कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा सलीम साफ़ी को? सलीम साहब को मैं जानता हूँ। अच्छा। वो जिस सफाई से हकीकतें बयान करते हैं, आपकी कोई हीरोइन उतनी सफाई से वो हकीकत बयान नहीं करती। नहीं, ये तो खैर सफाई के पूरे नंबर दे रहे हैं। नईम साहब की मेहरबानी है, हालांकि हम इनकी तहरीरों से अरसे से सीखते रहे हैं और पढ़ते रहे हैं, ठीक है, लेकिन शायद हीरोइन की उसमें इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि भाभी साथ होगी ना। हाँ हाँ, वो कहाँ है? तो आज क्योंकि मैं था, हमारी बहन, इसलिए जो है वो उन्होंने आने की इजाज़त दी। वक्त आ चुका है कि मैं इनके इनकी मौजूदगी में बेगम से बात कर लूँ। भाभी को जरा माइक दीजिएगा। नईम भाई, आपने तो माइक को इतनी मजबूती से थाम रखा है। मैम ज़ेबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपके साथ आए हैं नईम बलोच जी, ये कैसे? वो बहुत अच्छे इंसान हैं। ये रटवा के आए थे ये? बहुत बल्कि बहुत पे जोर देना, बल्कि बहुत बोलती चली जाना, बहुत बहुत अच्छे, कुछ तो ऐसा खास करते होंगे इनके अंदर, एक खूबी ऐसी होगी जो किसी में, जो सलीम साफी में नहीं है। नहीं नहीं, सलीम भाई भी बहुत अच्छे हैं बिलाशुबा, क्योंकि ये दोनों दोस्त हैं। मैं आपके बारे में हम क्या कह सकते हैं? चले, आप बहुत बहुत से आगे की चीज है। मैं दोनों से आगे की चीज हूँ, मैं बस बस मुझे ये सुनना था बस। मगर नईम भाई की आप इतनी तारीफ कर रही हैं, खुदा ही कसम मुझे यकीन नहीं आ रहा। अक्सर लोग यही कहते हैं। अल्लाह सब बीवियों को ऐसी तौफीक दे कि वो अपने शौहरों की इस तरह की तारीफ करे जिस तरह हम। अल्लाह मियां हर शौहर को ऐसी तौफीक दे कि वो तारीफ के काबिल बने। हाँ, ये भी है। अभी कैसी दुआ कराई मैंने? बिल्कुल दुआ, बिल्कुल दुरुस्त। मैं खवातीन के साथ रहता हूँ, बिल्कुल, मैं बचपन से खवातीन के साथ रहता हूँ। मैंने कभी बदमाश लड़कों से दोस्ती नहीं की, सब दोस्ती की खवातीन से की। ये मेरा, आप तो पैदा ही खवातीन की वार्ड में हुए थे। आप देखें, अच्छा लड़के समझ रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हुई है? नो 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 बेटा, यही हो रहा है आपके साथ भी। अगर आप नहीं हुए खवातीन के वार्ड में पैदा, तब मसला है। चले, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? मियां फसील हसन। मियां फसी जी। मियां सुन के तो सलीम भाई के चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई, शायद यहाँ से कोई अच्छा सवाल आए। और फसी, फसी से याद आया, हमारे क्लास में ना हमारे क्लास फेलो था, उसका नाम था दानिश फसी, तो हम उसके नारे बनाते थे, जिससे कभी ना खातून फसी, दानिश फसी। आप उन बेचारों से तारों का भी इस तरह पूछते हैं नाम भी, कि जिस तरह खान साहब कौम से खिताब कर रहे हैं। जरा आराम से पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? दोबारा बताऊँ? नहीं नहीं, पता है मुझे, मियाँ फसी। मियाँ फसी क्या करते हो? मैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। कोई सवाल लाए हो मियाँ जी? क्या सवाल है तुम्हारा? जब भी पाकिस्तान में कोई मशहूर होता है तो इधर की लड़कियाँ पागल हो जाती हैं, आपको क्या महसूस हुआ है कि हाँ मेरी भी कोई फीमेल फॉलोइंग हो गई है? सलीम भाई, मुश्किल सा सवाल है। अफसानवी सवाल लग रहा है। अच्छा, खवातीन फैन फॉलोइंग है आपकी? खवातीन मरती हैं आप पे? यार ये ऐसे मामला है, झूठ बोला नहीं जा सकता मुझसे और सच बोलना मुश्किल है। आगे बढ़ें। इसका मतलब है बेटा, ये सवाल इस तरह के जवाब जब आते हैं जब फीमेल फॉलोइंग कम होती है। आप
कोई भी मतलब ले लेकिन आगे बढ़े। अच्छा बताए ना खवातीन आप पे मरती हैं कि नहीं मरती हैं, मुझे पता करना है कि जियो के टॉप एंकर हामिद मीर के बारे में खवातीन क्या कहती हैं। मैं टॉप में नहीं हूँ। आप टापो टाप हैं। टापो टाप। मुझे बताएं, मुझे सलीम भाई बताएं, आज मुझे पता करना है कि ये जो न्यूज़ एंकर होते हैं क्या इनकी खवातीन फॉलोइंग होती है या नहीं होती। होती है, क्यों नहीं होती। वक्त हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का, वो काम है जिससे आप और मैं दोनों चल रहे हैं और हमारे साथ जियो भी चल रहा है। हाँ। वो है ब्रेक। खवातीन आजाद, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, ऐसे ना मनाए कहीं नहीं जाएगा। ओ मेरा भाई, ये तो मेरा डुप्लीकेट बेटा आया हुआ है। बहुत बहुत तालियां, ये मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। इमरान खान और बिलावल भुट्टो की आवाज़ बहुत अच्छी बनाता है और इतना प्यार है मेरे छोटे भाई का कि मेरे जो कपड़े मुझे छोटे हो जाते हैं वो यही भाई को मैं दे देता हूँ। सवाल क्या है, सवाल यह है यहाँ का कि आपको एक ट्रांसमिशन करनी है 10 घंटे की, आपके साथ एक और शख्स होगा पैनल में 10 घंटे के लिए, आपने बताना है कि वो शख्स इनमें से कौन होगा। लगाइए पहली 2 तस्वीरें, गरीदा फारूकी और आफताब इकबाल। गरीदा फारूकी थी। आफताब इकबाल के साथ आप बैठना नहीं चाहिए, गरीदा फारूकी के साथ आप 10 घंटे गुजारना चाहेंगे। गरीदा फारूकी के साथ बैठने में कभी मैं बोलूंगा, कभी वो बोलेंगी, और उधर हुआ तो सिर्फ वो बोलेंगे, वो ही बोलेंगे। हाँ ठीक है, सही है। गरीदा को रोकिएगा, आफताब साहब को कहिएगा कि वो जाए। ओए हो, 10 घंटे की ट्रांसमिशन है, सोहेल सर तो 2-3 सवाल में निकाल लेंगे। नहीं नहीं, अब मुश्किल हो गया क्योंकि दोनों के साथ जो है 10 घंटे दोस्ती आ रही है। तो आप किसके साथ बैठेंगे, किसको उठाऊं मैं? सोहेल भाई मान जाएंगे शायद जाने को। नहीं, फिर आप गरीदा साहबा को रुखसत कर ले। गरीदा आप जाइए और सोहेल भाई को यहाँ रोकिए, आप सोहेल भाई के साथ किसी और को फिट कीजिए, उनसे सीखने का मौका बहुत मिलता है। ओए सोहेल ओड़ाइज से रोकेंगे, सोहेल ओड़ाइज को निकाल दें, भट्टी साहब। अच्छा, और भट्टी साहब इनमें से किसको रोकेंगे आप? ये भी कोई पूछने वाला सवाल, जाहिरी बात है भट्टी साहब रुकेंगे। नहीं नहीं नहीं, अच्छा उलट है मामला, भट्टी साहब को जाने दीजिए, उनको जाना है, सोहेल वड़ाई साहब को रहने। ओए होए, हाँ क्या बात। जावेद चौधरी साहब, जावेद चौधरी साहब भी हमारे दोस्त भी हैं, उस्ताद भी हैं और सीखा भी है बहुत। हाँ। लेकिन सोहेल वड़ाई साहब ही को रहने। जावेद चौधरी साहब जब कहानी सुनाते थे बहुत मजा आता था। खातीन हजरात, एक बादशाह था, बादशाह ने अपने वजीर से कहा कि अवाम के अंदर से सबसे लंबा आदमी ले आओ। लंबा आदमी आया तो बादशाह ने उसका सर कलम कर दिया। वजीर ने पूछा ऐसा क्यों, तो बादशाह ने कहा मेरी मर्जी। नहीं, आपने कहा सुनाते थे, आप भी सुनाते हैं? अभी भी सुनाते हैं। 0 पॉइंट की बड़ी कामयाब किताब है, मुकर्ररी के दिनों में अक्सर लोग 0 पॉइंट की चीजें छाप कर सोशल मीडिया पे भी वो बड़े मोटिवेशनल वो कर रहे हैं। अभी इनमें से किसको रोकेंगे? 10 घंटे की कहानियां बहुत ही सुना लेंगे। बस सोहेल वड़ाई साहब रहेंगे तो फिर तो उनको, सोहेल भाई को किसी घर भी जाना हो सकता है, उन्होंने दिन गुजारने होते हैं जगह जगह। नहीं, आप हमारी खातिर वो ठीक है, सोहेल भाई को आप रोक के रखें। जावेद भाई आप प्लीज जाइएगा, आप अब मुकाबला मुश्किल है। चलो अब सोहेल साहब को रोक सकते, जाहिर बात है सोहेल भाई वो मुकाम आ चुका है कि यहाँ पे सोहेल भाई की पर जल जाएंगे। निकालिएगा भाई, निकालिएगा सोहेल। ओए ओए ओए, कयामत अंगेज तस्वीर हो गई। तो तीनों हजरात शाहिद मसूद अब हमारे सामने है। शाहिद मसूद को आप रुकेंगे या उनको जाने का कहें? उनको जाने दे, जाने। सना बच्चा साहब, शाहिद मसूद साहब को ना बड़े शौक से इनका प्रोग्राम देखता था 5 साल, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, 5 साल कहते रहे, 5 साल कहते रहे हुकूमत कभी भी जाएगी, कभी भी जाएगी, 5 साल हो गए, जाने का टाइम आ गया, हुकूमत चली गई, कहने लगे देखा। आखिर उनकी बात दुरुस्त साबित हुई ना, चली तो गई, कहने लगे देखा मैं कह रहा था। इसको रोकेंगे? नहीं, सना बुच्चा को रोकेंगे। सना बुच्चा आप रुकी रहे मेरे ख्याल से, शाहिद भाई आपका जाना बनता भी है। ओए हो, वसीम बादामी और सना बुच्चा। वसीम बादामी मासूमियत का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकतन मासूम जो है वो भी नहीं है, वो भी सना बुच्चा है, तो सना बुच्चा। सना बुच्चा मासूम है? मासूम है। आपको कैसे पता चला कि वो मासूम है? मेरा उनके साथ फैमिली रिलेशन है और वो मासूम करीब से, दिल से वो बड़ी साफ है और साफ गो है। ठीक है, और बादर है तो वसीम बादामी भी हमारे भाई हैं, दोस्त हैं,
लेकिन वो तो हमें भी ऐसे ऐसे नचा देते हैं कि हम हैरान, इतने मासूम भी नहीं है, इतने मासूम भी नहीं है। तो सनाबुचा की कतन मासूम है, मुझे यकीन नहीं आ रहा जितना जोर दे रहे हैं मासूमियत पर, मुझे यकीन नहीं हो पा रहा। आ जाएगा आपको कुछ वक्त के बाद आ जाएगा। वसीम भाई को जाने दीजिएगा, सना मासूम को रहने दीजिएगा। मारिया मेहमान आ चुकी हैं और सना मासूम हमारे साथ। सना मासूम को रहने, सना मासूम फिर रुकेंगी। मारिया आप इतनी मासूम नहीं है शायद। ये आखिरी तस्वीर है हमारे पास, सना बुच्चा के मुकाबले पे लोग खत्म हो चुके हैं। लगाइएगा आखिरी तस्वीर। नहीं, ये हामिद साहब भी हमारे काबिल एहतराम हैं मगर मासूम उतने नहीं है। सना बुच्चा को इसलिए बर्दाश्त, सना बुच्चा हमारे पूरे घर में मेरी बीवी की भी वो बड़े करीब हैं। हाँ। और हमारे भी बड़े करीब हैं, इसलिए उधर घर पे घर में इत्तेफाक है उनके बारे में कि करीब भी हैं और मासूम भी है। मासूम भी है और अच्छी भी। हामिद भाई ना करीब है ना मासूम है। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा, ये नहीं कहा, मगर उतने मासूम नहीं है जितना सना बच्चा मासूम है। ये बात ठीक है। मासूमियत का जो पैरामीटर है वो किस चीज़ से सेट हो रहा है? जाहिर बात है जब मेरी बीवी उसको सर्टिफिकेट दे रही हो और उसको बहन बना चुकी हो, इकट्ठे हम उम्रे कर चुके हैं, इससे ज़्यादा मासूमियत की क्या दलील देंगे आप? ठीक है खवातीन हज़रात, अब देखते हैं कि विनर, वाह, सलीम साफ़ी के साथ 10 घंटे की ट्रांसमिशन करने के लिए जो खातून नॉमिनेट हुई हैं, तालियां होनी चाहिए सना मासूम बुच्चा। सलीम भाई, हमारे पास आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनसे ना सिर्फ खान साहब तंग हैं बल्कि तकरीबन तमाम ही पॉलिटिशियंस तंग हैं। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के नामवर सहाफी सलीम साफ़ी 2.0। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ओ मेरा भाई, ये तो मेरा डुप्लीकेट बेटा आया हुआ है। बहुत बहुत तालियां, ये मेरा बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है। इमरान खान और बिलावल भुट्टो की आवाज़ बहुत अच्छी बनाता है। और इतना प्यार है मेरे छोटे भाई का कि मेरे जो कपड़े मुझे छोटे हो जाते हैं वो यही भाई को मैं दे देता हूँ, वो ये भी ले लेते हैं। आप बैठे बैठे बड़ी मेहरबानी। अपना सलीम 2.0 सलीम भाई जी, सहाफत में कैसे आना हुआ आपका? ताबिश भाई, टाइम अपनी टांगों टांगों पे अपनी टांगों पे चलता हुआ दही लेने के लिए जा रहा था। हाँ। तो हमारे दोस्त और उस्ताद हैं जिनसे हमने बड़ा सीखा है, रहीमुल्ला यूसुफ जई। रहीमुल्ला यूसुफ जई, मैं उनका बड़ा फैन था। मैंने कहा हेलो सर, कहते कौन हो तुम? मैंने कहा साफी। कहते मैं भी साफी हूँ, जालो जब भी साफी भी साफी मांगो। बस वहीं पे उन्होंने कहा कुक्कड़ मांगवाओ। मैंने कहा नहीं, कुक्कड़ तो मैं खाता नहीं। कहते कुक्कड़ नहीं, मैं काकड़ को बुलवा रहा हूँ कि काकड़ तुम्हारी ट्रेनिंग करेगा। ठीक। फिर उन्होंने मुझे समझाया, चाय नीचे रखो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं सुन। उन्होंने सिखाया कि सहाफत जो है दो धारी तलवार के ऊपर नंगे पैर चलने का नाम है। दो धारी तलवार के ऊपर नंगे पैर चलने का नाम है। तो मैंने कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं पैर इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मैं क्रॉलिंग कर लूंगा। मैं अक्सर क्रॉलिंग करता हुआ बॉर्डर की उस तरफ भी निकल जाता हूं और कभी इस तरफ भी निकल आता हूं, इसीलिए मेरे पास जो है वो दोनों तरफ का रिपोर्ट खबरें मेरे अच्छा पास। दोनों बहुत सिमिलर लग रहे हैं, पता कैसे चलेगा? लिटमस टेस्ट क्या है कि इनमें से असली कौन है? ये असली तो हम में से वो होगा जिसके बाजू पे टैटू बना हो, उस टैटू के ऊपर जो है एक दिल बना होगा, ठीक है, उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर होगी और ऊपर तीर लगा होगा ऊपर। जो इख्तदार में आता है उसके खिलाफ हो जाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? असल में ताबिश भाई, मैं बादशाहत के खिलाफ हूँ। अच्छा। और एक ही बादशाह है जिसका मैं हमेशा से मोतरिफ रहा हूँ और वो था रंगीला। अबे अब रंगीला ने रंगीला एक सबसे बुरा बादशाह था यार, वो तो मुगलों का। उसका एक जुमला जो था ना, क्या मासी माखा में की वे आखा आना 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 आना। ओ भाई, ये कौन सा रंगीला यार? फिल्म स्टार रंगीला की बात कर रहा हूँ, वो अपने फन का बेताज बादशाह था। उसके अलावा अगर कोई हुक्मरान बादशाह बनने की कोशिश करेगा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, आप खान साहब के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े? आप लोगों की वजह से, वरना फिर इन्होंने ही कहना था कि गंदे हाथ लेके खान साहब के पीछे पड़ गए, को हाथ ही सैनिटाइज कर रहे। अब आपको पता है हमारे हाथ गंदे कैसे हुए? गंदे भी तो हुए, कैसे हुए? लीक करता है ना। क्या लीक करता है? जो मेरा पेन है जिससे मैं लिखता हूँ, पेन लीक कर, वो लीक करता है। अब पेन मैं बदल नहीं सकता हूँ। क्यों पेन क्यों नहीं छोड़ रहे आप? पेन चोरियां बहुत हो रही है और मुझे डर है कि कोई पेन चोर मेरा पेन चोरी ना कर ले।
और उसके ऊपर वो बड़ा खास पेन है, उसके ऊपर वो गोर्बाचोफ का पेन। गोर्बाचोफ से लिया आपने ये पेन? हाँ, उनसे मेरी मुलाकात हुई। कब? उनकी वफात के बाद। उनके जनाजे पे गया था जब पिछले दिनों वो फोत हो गए, तो मैं फिर वहां पर। पेन कैसे मिला आपको? पेन अपना रास्ता खुद निकाल लेता है। मैंने पेन ले लिया, उसके ऊपर उनका नहीं था, फिर उसके ऊपर लिखा था गोर्बाचोफ, तो वो पेन मेरे पास आ गया। अब वो पेन कभी कभी चौफ कर जाता है। अच्छा, गोर्बाचोफ ने दिया होता तो फिर तो अभी तक बेच चुका होता बाहर ना, तो बेच चुका। लेकिन आपने कहा ना असली ये है। अच्छा, अब तो आप ही है ना असली, तो फिर मेरी बात को क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? अच्छा, किस शख्सियत का इंटरव्यू आप करना चाहते हैं? मतीरा। अब आप मुझे बताओ, ये मतीरा का जो इंटरव्यू कर लेता है, फिर उसको चार चांद तो लग जाते हैं ना। लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मतीरा ने वो शेरों वाली शर्ट नहीं पहनी होगी। देखो, मैं बहादुर लोगों, हमारा ट्राइब जो है बहादुर लोगों का है, और मैं शेर एक बार देख लूं फिर मैं नजर हटा नहीं सकता। मैं टॉपिक चेंज करूं, सलीम भाई, अपना जापानी जेन्युइन सलीम भाई, इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? नहीं, आप तो वो जेन्युइन सलीम साफी है, तो उनसे जेन्युइन सलीम भाई, आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं? जो आपके दिल में आता है आप पूछें, मुझे खुशी होगी। मुसीबत ये है कि मेरे दिल में इनकी बड़ी कदर है, क्योंकि मैं इसको मजा और मैमिक की दुनिया का बादशाह और रंगीला जैसा बादशाह। सलीम भाई, मैं आपसे कुछ प्राइवेट में बातें करना चाहता हूँ, मगर उससे पहले खवातीन हज़रात, ब्रेक लेनी है आपको। देखिए, ये मैं यहाँ मजबूरी में आया हूँ, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, असलाम अलैकुम, कहीं नहीं जाए। लेने देने वाली चीजें, लेने देने वाली। नहीं नहीं, अक्सर डॉलर का पर्दा रखती है। अच्छा, आप कहते हैं डालने के काम आती है लेने। अच्छा हाँ, तो वो चीज तो नहीं है जो खान साहब की हुकूमत में ज्यादा बांटे जाते थे जर्नलिस्टों में? आप पहुंच रहे हैं, आप पहुंच रहे हैं, आप लिफाफा तो नहीं है? यस। वेलकम बैक टू असलाम मनाए। सलीम भाई, 2018 के इलेक्शन है, इलेक्शन से कुछ दिनों पहले आपको एक फोन आता है, SMS आता है, जो भी आता है, कुछ ना कुछ पैगाम आता है। क्या था पैगाम, किसने दिया वो पैगाम, क्यों आया वो पैगाम? तो रोज दर्जनों पैगाम आते थे, आप किस पैगाम? 2018 के इलेक्शन से ठीक 12 दिन पहले। फकरा दुरुस्त कर दी, 2018 में कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, वो सिलेक्शन। भाई देखें, मैं सेफ चलूंगा, मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहता हूं, इसलिए मैं इलेक्शन ही कहूंगा। इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन देखिए, हो रहे थे हर मिनट हर घंटा इमरान खान के हक में और बाकी उनके मुखालिफिन के खिलाफ पैगाम आते थे, तो आपका किसकी तरफ इशारा है? एक बहुत बड़ा फोन था, ऐसा फोन कि अगर वो आ रहा हो तो आप उनका फोन भी रख दें। आप उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं जो अभी हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब ने जिसका जिक्र छेड़ दिया है, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मीटिंग का? मेरी क्या मजाल, ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्हीं का होगा फोन। क्या कह रहे थे वो? नहीं, वो तो अब चूँकि बात खुल गई है, अगर निजी महफिलों की बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब खुल गई है, लेकिन वो खुल गई है और भट्टी साहब ने भी एतराफ़ कर लिया है और हामिद मीर साहब ने भी इशारा कर लिया है। वो इलेक्शन से 12-13 दिन पहले जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने हम तीनों को बुलाया था और वो इमरान खान की तारीफ़ें कर रहे थे और बड़े उनसे मुतासर थे और ये लग रहा था कि वाजे था कि जी अब उनको वज़ीर आज़म बनवाया जा रहा है। तो वो 2.5 घंटे तकरीबन मेरी और उनकी बड़ी तलख गुफ्तगू हुई। अच्छा, और उसमें वो दोनों गवाह हैं इसके, तो आखिर में जब बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने उनसे कहा कि जी मैं तो मुल्क छोड़ जाऊंगा, लेकिन इमरान खान या ये इलेक्शन में जो आप लोग कर रहे हैं मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। वाह। तो खैर, ये भी फिर उसका बड़ा पन है, उन्होंने कहा नहीं आपकी अपनी मर्ज़ी है जो कुछ करें। वो तलखी भी बहुत हो गई थी, तो आते ही हुए मैंने उनसे कहा, वो दोनों इसके गवाह हैं हामिद मीर साहब और इरशाद भट्टी साहब, मैंने उनसे कहा कि जी जो कुछ आप लोग करने चले हैं ना,
तो सलीम साफ़ी क्या और जियो क्या, अगर पूरी पाकिस्तानी मीडिया भी रुकावट बनना चाहे तो अब इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने से नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैंने उनसे कहा कि जी मैं तारीख़ के रिकॉर्ड के लिए इन दोनों की मौजूदगी में तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ। एक कि इमरान खान आपसे जरदारी और नवाज शरीफ को बख्शवा देगा। क्या कर लेगा? बख्शवा देगा, यानी कि अच्छा। जरदारी और नवाज शरीफ को। वाह। दूसरा मैंने उनसे ये गुजारिश की थी कि ये बंदा कुछ भी कर सकते हैं लेकिन चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्तों के साथ नहीं चल सकता। ठीक। और तीसरी बात मैंने उनसे ये की थी कि अगर फ़ौज की सियासत में ये मुदाखलत रही और जिस तरीके से आप लोग कर रहे हैं तो आपको तो पख्तूनों के पीटीएम की फ़िक्र लगी हुई, तो पंजाब में भी पीटीएम बन जाएगा। बन भी गई। बदकिस्मती ये है कि वो मेरी तीनों बातें दुरुस्त साबित हो गई और उस रोज़ रिटायरमेंट के बाद मेरी उनसे बात हुई तो उनकी भी कैफियत कुछ ऐसी यही थी कि सच तो कह रहे थे तुम साफ़ी। जी अभी उस वक्त मुझ पर बहुत गुस्सा थे, अब सही है। अब वो कहते हैं कि यार तुम्हारा अंदाज़ा सही था। अब जिस तरह उनकी आंखों पे उस पर पट्टी बन गई थी मेरे पास भी एक पट्टी मौजूद है। सलीम भाई मैं आप, तो आप मेरा भी वो अंजाम करना चाहते हैं। मैं भी कुछ देर इमरान खान की दोस्ती की वजह से कुछ देर के लिए ये ना करें। देखो पट्टी नहीं बांधनी चाहिए, आंखें खुली रखनी चाहिए। इस कौम की आंखें जो है ना उनसे पट्टियाँ उतारने की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ बंद कर लेनी चाहिए। अगले को एतराज होता है कि यार आंखें बंद करो, बदतमीजी नहीं। सलीम चले, आपका भाई है तो आपका हुक्म। बहुत अच्छे लग रहे हैं सलीम भाई, बिल्कुल अवामी रहनुमा। अवाम ताली होनी चाहिए सलीम भाई के लिए। सलीम भाई आपने पूछा भी नहीं कि मैं आंखें बंद क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा। अब हमारा गेम है, उसका नाम है नज़र बंद। इसमें एक ऑब्जेक्ट नज़र आएगा सलीम भाई स्क्रीन के ऊपर, खवातीन और हजरात को जो सामने बैठे हैं और ऑडियंस जो टीवी पे देख रही है उनको नज़र आएगा, आपको नहीं आएगा। आपसे सवाल पूछ सकते हैं, मैं हिंट्स भी दूंगा, मगर आपने आइटम गैस करना है। पहला आइटम लगाइए। ओए होए, ओए होए। सर ये वैसे तो नहीं लगना चाहिए था स्क्रीन पर, मगर अब क्योंकि इन्होंने लगा दिया है, वो भी दो दो, ये बुरा किया। एक लगाते तो शायद ना पकड़ा जाता, मगर अब दो लगा दिए तो कैमरा नोटिस ले सकता। चलिए मैं सवाल पूछें, थोड़ा सा हिंट तो दे दीजिए। नहीं पहले सवाल पूछें, ये देखें इस तरह नहीं करें मेरे साथ, आप सीनियर साफी। इंसान है? नहीं इंसान नहीं है। कोई टीवी एंकर है क्या? हाँ जी। इंसान नहीं है तो टीवी एंकर है? नहीं, मगर टीवी एंकर के करीब की चीज़ है। कोई एक्टर एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, इंसान ही नहीं है ना, तो एक्टर एक्ट्रेस कहाँ से आएंगे इसमें। अच्छा जानवर है? अरे नहीं जानवर भी नहीं है, तीन सवाल हो गए। जानवरों की सांस लेने वाली चीज़ों से आगे निकले। किस नौयत की चीज़ है ये? एक बड़ी टाइट नौयत की चीज़ है, मतलब लेने देने वाली चीज़ है, लेने देने वाली। नहीं नहीं, अक्सर डॉलर का पर्दा रखती है। अच्छा आप कहते हैं डालने के काम आती है लेने। अच्छा हाँ, तो वो चीज़ तो नहीं है जो खान साहब की हुकूमत में ज़्यादा बांटे जाते थे जर्नलिस्टों में? आप पहुँच रहे हैं, आप पहुँच रहे हैं, पहुँच रहे हैं आप। लिफाफा तो नहीं है? यस। मुझे ये बताएं सलीम भाई, वाकई लिफाफे विफाफे मिलते हैं साफियों को, ये सिर्फ बातें हैं बस? नहीं अगर मिलते हैं तो मैं भी इस फील्ड में आऊँ ना, वरना फ़ायदा क्या? एक तो ये कि इस मामले में बहुत तरक्की हो चुकी है। अच्छा, मसलन प्लाट है, इतना पैसा आ रहा है आजकल इसमें, कारोबार साइड बिजनेसेस हैं। अच्छा। उनको सपोर्ट मिलता है, जहाज वहाज भी खरीद लेते हैं कुछ, और ये आपके सोशल मीडिया पे आपके यूट्यूब चैनल्स को इनडायरेक्टली सपोर्ट किया जाता है। अरे वाह। तो एक तो बहुत सारे तरीके निकल आए हैं, आपके ख़ानदान वालों को, आपके फैमिली के लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। अरे वाह, पता नहीं वो क्या क्या है भाई। ये रिक्रूटमेंट कैसे होगी? मैं मुखातिब करना चाहता हूँ लोगों को जो इस तरह के लोग रिक्रूट करते हैं। यार इस मामले में बदकिस्मती है, शुरू से मेरी रिपोटेशन बहुत ख़राब है, तो खुदा की कसम आज तक कोई ऑफर नहीं कर सका यार। देखें खवातीन हज़रात, पॉलिटिकल पार्टीज और जो भी लोग इस काम में इंटरेस्ट रखते हैं, सलीम भाई का ऐसा है कि दिल है, ऐसा नहीं है कि वो बार बार से सख्त हैं, बार बार से आपको बोलेंगे मैं नहीं करता, मैं नहीं करूँगा, सहाफत का लंबरदार। लेकिन आप थोड़ा पुश भी किया करो, ये नहीं कि एक बार मना कर दिया चले गए उठ के। ये बुरा लगता है मुझे सलीम भाई। क्या आप थोड़ा आप भी थोड़ा हल्का हो जाओ। नहीं नहीं, एक बार भी किसी ने वो बहुत बुरी बात है ना। अब खान साहब आप ट्राई तो करो एक बार, आप ये मना करते रहेंगे आप बस लिफाफा डाल देना। अब जो शख्सियत आ रही है वो बाबंगे धौल लिफाफा लेते हैं,
वो लिफाफों से कभी पीछे नहीं हटे। लिफाफा उनका वो और लिफाफा दोनों एक समझ लें एक ही सिक्के के दो रुख। आपकी भरपूर तालियों में ये थोड़ी देर के लिए आप नहीं मुझे लगता है कि आप भी पीटीआई में शामिल हो गए। मुफ्त में इल्जाम लगा रहे हो। नहीं मैंने खुद उनको लिफाफे दिए। नहीं खुद उनको लिफाफे दिए। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के मुमताज शायर। लिफाफे लेने वाले इतनी हक गोई पर नहीं कर सकते। लिफाफा लेने वाले की पहली निशानी ये होती है कि उसका मुंह बंद हो जाता है। अरे उनकी रोजी रोटी चलती है उससे, शायर है वो, ठीक है, या फिर वो पर्दों के पीछे छुप जाते हैं बुरकों वगैरह में। जिन जो लिफाफे लेने वाले होते हैं वो पब्लिक के सामने नहीं आ सकते। वो तो रोजाना पब्लिक के सामने आते हैं और शेर अशार वो कहते हैं, तो कैसे लिफाफे ले। बात मैं इस पर चुप रहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, बुलाऊंगा पाकिस्तान के मुमताज शायर सैयद सलमान गिलानी। सर जनाब कुछ हमारी भी सुनिए। आइए सर, आपकी बड़ी देर से सुन रहे हैं। अस्सलाम दो मोतबर लोग मेरे सामने बैठे हैं, बिल्कुल ऑड वन आउट लग रहा हूं मैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सलमान सर। महफिल अपने इख्तिताम पर है। मुंह अपना उसे यूं ही सुंघाया तो नहीं है, मुंह अपना अपना उसे यूं ही सुंघाया तो नहीं है। शक था उसे पी कर कहीं आया तो नहीं है। और कहती है मेरी जुल्फ के कुंडल में तेरा दिल, कहती है मेरी जुल्फ के कुंडल में तेरा दिल। खुद आके फंसा मैंने फंसाया तो नहीं है, खुद आके फंसा मैंने फंसाया तो नहीं। और भर भर के पलेटे जो खिलाती हो मलाई, भर भर के पलेटे जो खिलाती हो मलाई, कुछ तुमने मलाई में मिलाया तो नहीं है। कुछ तुमने मलाई में मिलाया तो नहीं है। अब बिल भेज के बिजली का कहें वाप ढवाले, बताइए बात हुई। बिल भेज के बिजली का कहें वाप ढवाले। हाँ बिल भेज के बिजली का कहें वाप ढवाले। खुद रोए हो तुम हमने रुलाया तो नहीं है। लोटा है तो क्यों टिकता नहीं अपनी जगह पर। लोटा है तो क्यों टिकता नहीं अपनी जगह पर। हाँ लोटा है जी तो क्यों टिकता नहीं अपनी जगह पर। काम इसका सफाई है सफाया तो नहीं है। सफाई है आखिरी शेर। अच्छा कि ये अरबों करोड़ों का है जो मुल्क पे कर्जा, ये अरबों करोड़ों का जो है मुल्क पे कर्जा। खुद तुम पे चढ़ा हमने चढ़ाया तो नहीं है। और गीलानी गीलानी लुटाता है तू, गीलानी लुटाता है हंसी के तू खजाने। ये हाथ में ताई तेरा ताया तो नहीं। काम हो चुका है मगर जाने से पहले आज की कमाल बात। भाई राजस्थान का एक गांव है पिपलांत्री, छोटा सा गांव है। वहां पे जब लड़कियां पैदा होती हैं ना तो वो 111 दरख्त लगाते हैं। माँ बाप जिनके यहाँ बच्चियां पैदा होती हैं तो 111 दरख्त लगाते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि लड़की जो है वो अल्लाह की रहमत है, खुदा की रहमत है। तो उस रहमत का इजहार वो और लोगों के लिए रहमत बन के लगाते हैं, दरख्त लगाते हैं। अक्सर हमने देखा है कि अगर किसी के यहाँ बहुत ही स्ट्रांग हेडेड खातून पैदा हो, लड़की पैदा हो, या अच्छी बच्ची हो जो काम भी कर रही हो, घर भी संभाल रही हो और सारे काम माँ बाप को भी संभाल रही हो, तो अक्सर हम कहते हैं हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है।
जो काफ़ी तजीक अमेज किस्म की बात है। आपकी बेटी आपकी बेटी ही है और आपका बेटा ही है, दोनों को उनके अपने अपने रोल्स में अप्रिशिएट करना सीखिए, बेटियों को रहमत समझिए, उनकी पैदाइश पर खुशियाँ मनाइए, बेटों को नेमत समझिए और उनको काम पर लगाइए। खवातीन हज़रात, 11:55 बज रहे हैं, रात गहरी हो चुकी है, आप सिर्फ सोएंगे, आज सिर्फ सोएंगे, जल्दी उठेंगे, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेंगे, क्योंकि गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।